नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। आज से कामकाज सरकारी गाइडलाइन के तहत हुए शुरू। आज से सरकार की नई गाइडलाइन के तहत बंद के दौरान काम की शुरुआत हो गई है। वहीं काम की शुरुआत से पहले ही सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी और यह भी साफ किया गया था कि राज्य सरकार अपने अपने इलाके में जरूरत के हिसाब से निर्णय ले, जिसके तहत आज से कृषि क्षेत्रों से जुड़े काम चालू हो गए हैं। बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्राइवेट गार्ड, किसानों से जुड़े हर तरीके का ऑनलाइन जरूरी सामान डिलीवरी का काम शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इसके तहत ग्रामीण इलाकों का खास ख्याल रखने की अपील की, जिसके तहत मनरेगा, कंस्ट्रक्शन, छोटी प्रोडक्शन यूनिट में ईंट बनाने का काम समेत अन्य कामों को शुरू किया जा रहा है। गोवा के बाद अब मणिपुर भी हुआ कोरोना फ्री। जहां गोवा में बीते दिन अपने यहां से कोरोना को पूरी तरीके से खत्म करने की खबर दी थी, वहीं अब मणिपुर से भी ऐसी खबरें सामने आई है। खबरों के माने तो मणिपुर पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त हो चुका है, जिसकी जानकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट करके दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुझे यह बताकर काफी खुशी हो रही है कि अब मणिपुर कोरोना से मुक्त हो गया है। सभी मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। वहीं राज्य में एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जिसके बाद भारत को गोवा के बाद एक नई उम्मीद मिली है। लॉकडाउन के बीच मजदूरों को आज से मिली राहत। लॉकडाउन के इस माहौल में मजदूरों को आज से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज से योग्यता के अनुसार सभी राज्यों में मजदूरों को काम दिया जा रहा है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो जहां हैं वहीं पर मजदूरी का काम कर सकते हैं। किसी भी मजदूर को अपने गृह राज्य को छोड़कर जाने या फिर अन्य किसी राज्य में मूवमेंट करने की इजाजत नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर गृह मंत्रालय ने मजदूरों के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर के तहत छूट दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह छूट बस उन्हीं इलाकों के लिए है जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया। भारत ने इमरान खान के भेदभाव वाली टिप्पणी पर दिया जवाब। कोरोना के बढ़ते असर के बीच जहां पूरी दुनिया सभ्यता भुलाकर इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है, वहीं पाकिस्तान एक बार फिर से टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा है, जिसके तहत इमरान खान ने हाल ही में ट्वीट कर भारत सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि कोरोना की आड़ में जानबूझकर मुसलमान समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। जिसका जवाब देते हुए भारत ने सख्त लहजे में कहा कि पाक नेतृत्व अपनी आंतरिक हालात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पाकिस्तान अपने पड़ोसियों पर आधारहीन बातें कर रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान कई बार भारत पर टिप्पणी करते देखा गया है, वहीं भारत भी पाकिस्तान के हर बयान का जवाब भी बखूबी देते आया है। बंद के कारण रिटेल सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिली। कोरोना के बढ़ते असर के कारण केंद्र सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद रिटेल सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिली है। सर्वे एजेंसी निल्सन के अनुसार मार्च के आखिरी सप्ताह में देश के 4 में से 3 रिटेल चैनल में भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं ई कॉमर्स चैनल में सबसे ज्यादा 64% की गिरावट देखने को मिली है। कैश एंड चेरी चैनल की बात करें तो इसमें 44% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पारंपरिक ट्रेंड की बात करें तो इसमें 6% की गिरावट देखने को मिली है। खबरों की माने तो मॉडर्न ट्रेड जैसे कि शॉपिंग मार्ट, हाइपर मार्ट, मिनी सुपर मार्ट में 6% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं लॉकडाउन के माहौल को देखते हुए साथ ही नियमों की सख्ती का पालन करते हुए अप्रैल में भी इसमें गिरावट देखने की आशंका जताई गई है। के साथ ही मार्केट में सबसे ज्यादा मांगे जाने वाली वस्तु है तो वो सफाई के काम में आने वाली वस्तुओं की है। लॉकडाउन में किसानों की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया एक ऐप। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने जहां एक तरफ सभी आम नागरिकों से घरों में रहने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ किसानों को राहत देने की कोशिश की है, जिसके लिए सरकार ने हाल ही में किसान रथ नामक ऐप का लॉन्च किया है, ताकि किसानों के माल मंडी तक पहुंचाने में आसानी हो सके। इस ऐप के जरिए किसान और व्यापारी फसलों की खरीद और बिक्री भी कर सकते हैं। वहीं इस ऐप के जरिए किसानों और व्यापारियों को माल ढोने वाले वाहनों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जिसकी जानकारी हाल ही में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। लॉकडाउन से नकद लेन देन में आई कमी। कोरोना के कारण बढ़ती परेशानियों के बीच लॉकडाउन के माहौल में नकद लेन देन में कमी आने की बात सामने आई है। वहीं बंद के बाद से डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक मार्च में बैंकों के रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ट्रांजैक्शन में 34% तेजी दर्ज की गई है। मार्च में RTGS के माध्यम से 120.47 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है, जो फरवरी 2020 में यह आंकड़ा 89.90 करोड़ रुपए था। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक रिपोर्ट में यह कहा है कि बैंक इंडस्ट्रीज के सूत्रों का यह मानना है कि बंद के चलते कैश और कैश आधारित सेवाओं में गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए ATM से कैश निकासी भी कम हुई है। केरल सरकार के रेस्टोरेंट खोलने और बस चलाने के फैसले पर केंद्र ने की टिप्पणी। केरल सरकार द्वारा रेस्टोरेंट और बस चलाने के फैसले पर केंद्र सरकार ने टिप्पणी करते हुए साफ कहा है कि केरल में अभी पूरी तरीके से कोरोना का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। सरकार का यह फैसला लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होगा, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए यह साफ कहा है कि केरल सरकार कस्बों में बस संचालन को मंजूरी, दोपहिया वाहनों की सवारी और कार के पिछले सीट पर 2 लोगों के बैठने की अनुमति देकर गलती कर रही है। वहीं केरल सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि हमने केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए छूट दी है। हमें यकीन है कि केंद्र सरकार को एक बार और अपनी स्पष्टीकरण देंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि सरकार सब कुछ सोच समझ के कर रही है। आज से लोकसभा, राज्यसभा, सचिवालय में काम एक बार फिर से हुआ शुरू। बंद के बीच आज से शुरू हुए कामकाज में
लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय में भी काम की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बाद संयुक्त सचिव रैंक और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अनुमति दी गई है। वहीं संसद के ऊपरी सदन ने भी इसी तरह का एक आदेश जारी करते हुए सभी संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को सभी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा अन्य कर्मचारी एक वैकल्पिक तौर पर काम करने का निर्देश दिया गया। हालांकि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह साफ तौर पर कहा गया है कि काम करते समय सचिवालय के कर्मचारी और सुनिश्चित करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से फॉलो किया जा रहा है। वहीं सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रत्येक शाखा या अनुभाग में कार्यालय में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या वास्तविक संख्या से 33% से अधिक नहीं होनी चाहिए। T20 विश्व कप पर अगस्त में बड़ा फैसला ले सकती है ICC। IPL के अनिश्चित समय के लिए स्थगित होने के बाद अब विश्व कप के भी स्थगित होने की खबरें सामने आ रही है, जिसके बाद ICC ने ऐसी खबरों पर अपना बयान जारी करते हुए यह कहा है कि T20 विश्व कप पर अगस्त महीने में बड़ा फैसला होने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना कि विश्व कप का आयोजन कब से शुरू होगा यह असंभव है। अगर कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन ऐसा ही बढ़ता रहा तो 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होने वाले T20 विश्व कप को 1 या 2 साल के लिए स्थगित किया जा सकता है। आज है ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी की सालगिरह। आज बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी की सालगिरह है। दोनों ने 20 अप्रैल 2007 को शादी की थी। वहीं इन दोनों सितारों की कहानी गुरु फिल्म के सेट से शुरू हुई थी, जहां पर अभिषेक ने ऐश्वर्या को फिल्म के सेट पर ही प्रपोज किया था। इसकी जानकारी अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ने ही एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। हालांकि इन दोनों की मुलाकात 1997 में ही फिल्म और प्यार हो गया के दौरान हो गई थी। इस फिल्म में ऐश अभिषेक के अच्छे दोस्त बॉबी देओल के साथ काम कर रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। लॉकडाउन के आदेश के बावजूद दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते मामले के रोकथाम के लिए सरकार को आपके अनुसार और कौन कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।